और कराची देखें, कराची में मुझे बाजू का लगता है जैसे मैं मोहनजोदड़ो में रह रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बात असल में ये है कि कराची की मैंने तो जब मैं आया हूँ तो 79-80 का कराची देखा है, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मुझे वाकई में ये रोशनी का शहर लगा था, उसको रोशनी का शहर आज भी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ, देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं सुबह अभी साकिब से मैं ये बातें कर रहा था कि आते हुए कि मैंने कहा भाई सुबह आपको क्या लग रहा होता है जब हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो क्या हालत होती है, तो साकिब ने कहा हाँ भाई लोग लेट निकलते हैं और ऐसे आड़ी तिरछी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो और मैं भी बाजू का हर दफ़ा आपने देखा हो कि ना भी कंट्रोवर्सी में खड़ा होकर पुलिस वालों के साथ कभी लगा होता हूँ, कभी अपने भाई लोगों के साथ लगा होता हूँ कि खुदा के लिए भाई थोड़ी ध्यान दे लो, और बच्चे बिठा के तेज़ तेज़ हारन दे रहे होते हैं और शुम शुम करके निकल रहे होते हैं, रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से देखें ये कोई और तो नहीं कर रहा, ये तो हम खुद ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कराची को मैं आज जो देख रहा हूँ ये कराची मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं देखा। अगर मैं 30-35 साल की पहले की बात करूँ क्या कराची की रोडें थी, क्या रौनक थी और क्या बिजनेस था बेसिकली, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा आगे जाने, और ये जो पान गुटखा का थोड़ा कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन देखें हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं और हम उनको क्या दिखा रहे हैं। तो देखें कोई भी एक्ट करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, और अगर हमारे बच्चे हमें नहीं भी देख रहे तो बाकी बच्चे हमें देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें थोड़ा सा ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। देखें सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है और ये तो हमारे मज़हब में है, तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। और बात वही है एंड एंड में कि देखें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निकलें और रोडें ठीक कर देंगे, यार जिसका जहाँ जहाँ जो जो कर सकता है वो भाई, मैं तो रुकता नहीं हूँ, ट्रैफिक अगर जाम हो गई है भाई मैं गाड़ी साइड पर करता हूँ, मैं बाहर उतरता हूँ, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला हो ना हो मैं कोशिश करता हूँ, बाकी कुछ नहीं भी सुनते तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई कान के नीचे लग जाएगी, तो भाई ऐसे काम नहीं करो। तो प्लीज़ आप एक दूसरे का ख्याल रखें, और जैसे कराची के साथ बाकी में थोड़ा जाती है, इसकी वजह ये है कि देखिए मैंने ये कराची नहीं देखा, ये हमारा कराची है और हमें खुद ही इसको ठीक करना है, और ये ना हो कि कल कल को हम सब रोडों पर निकले और सब सफाइयाँ कर रहे हो तो वो दिन ना आने दें। मेरे ख्याल से यहाँ जितनी भी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे लोग हैं उनको प्लीज़ आगे आएँ, और ये ना करें कि भाई एक दफ़ा मैं देखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ सिविल लाइन में पीछे, वहाँ हर साल जो है ना हर 6 महीने मेरी रोड बनती है और हर 6 महीने में टूटती है। भाई उसको एक दफ़ा अच्छा बना लो, ठीक है बजट आता है आने दो, कहीं और लगा दो, ये ज़रूरी थोड़ी कि बजट आएगा तो बस यही कच्ची सी रोड बना। बारिशें हुई हैं अभी, आप हालत देखें, हर रोज़ मैं जा रहा होता हूँ तो बाइक वाले बेचारे धड़म करके गिर जाते हैं सामने और एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ कुछ अल्लाह को जवाब देना है, और हमने किसी और की कब्र में नहीं जाना, हमने अपने अपने कब्रों में जाना है और हमने बहुत सख्त सा हिसाब देना है। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई सिराते मुस्तकीम वाला बंदा हूँ, हमें सबको सिराते मुस्तकीम पर जाना चाहिए, लेकिन जिस जिसका जो जो काम है उसको भाई थोड़ा सा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% कर दो, भाई 50% तो आप काम कर सकते हैं ना हम लोग, वो भी इस हमारे मुल्क के लिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर हो।